नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जब हम WhatsApp बनाते हैं तो WhatsApp बनाने के बाद बहुत सारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या फिर कुछ फ्रेंड लोग हमें ग्रुप में ऐड कर देते हैं, तो उनमें बहुत सी ग्रुप ऐसी होती है कि लोग अपने में चैट करते रहते हैं और उसका नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन पे आके हमें डिस्टर्ब कर देता है। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि उस ग्रुप के नोटिफिकेशन को कैसे बंद करें, कैसे उस ग्रुप के नोटिफिकेशन को डिसेबल करें। तो WhatsApp ग्रुप के नोटिफिकेशन को डिसेबल करने के लिए अपने फ़ोन में WhatsApp को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे उस ग्रुप को सिलेक्ट कीजिएगा जिसे आप डिसेबल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस ग्रुप के नोटिफिकेशन को डिसेबल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस ग्रुप के मेंबर चैट करें तो उसका नोटिफिकेशन मुझ पे आए। तो इसे बंद करने के लिए इस ग्रुप पे आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा 2 से 3 सेकंड के लिए। तो लॉन्ग प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में कुछ ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, तो इसे डिसेबल करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस स्पीकर वाले आइकॉन पे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि अपने ग्रुप के नोटिफिकेशन को कितने देर के लिए म्यूट करना चाहते हैं, मतलब कि अपने ग्रुप को कितने देर के लिए साइलेंट करना चाहते हैं, 8 आवर 1 वीक या फिर 1 ईयर। तो आपको जो अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 आवर को सिलेक्ट करके और यहाँ पर टिक कर देता हूँ। तो अब मेरे फ़ोन पर इस ग्रुप के कोई भी नोटिफिकेशन 8 आवर के लिए नहीं आएगा। तो ये थे छोटी सी वीडियो के WhatsApp ग्रुप के नोटिफिकेशन को कैसे डिसेबल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में WhatsApp फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।